दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सा प्लान मैंने डिजाइन किया है और यही पूरा मॉडल आज हम आपके सामने डिस्क्राइब करने वाले हैं। यह मॉडल दोस्तों चारों तरफ से खुला हुआ है, इसीलिए मैंने चारों तरफ विंडो दे रखी हैं और विंडो का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है एक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में, और अगर हम बात करें पीछे की, सभी तरह आपको विंडो दी है क्योंकि चारों तरफ से ओपन है, तो यहाँ पर वेंटिलेशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। घर में हवा वगैरह जो है वो बहुत ही बेहतरीन से पास होगी। और फ्रंट की एलिवेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पोर्च के साथ बेहतरीन सा, ज़्यादा मैंने चीज़ें और डिज़ाइन नहीं की हैं, पोर्च के साथ बेहतरीन सा डिज़ाइन, पिलर और राउंड कलर का यहाँ पर मेन डोर आपको मैंने दिया है। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, तो बने रहे आप इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झगड़ो और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान पर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको सिंपल से वीडियो मिलते हैं और बेहतरीन सा पोर्च डिजाइन या फ्रंट का एलिवेशन मिलता है। तो आज का जो डिजाइन है उसका फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर होने वाला है। आप देख पा रहे होंगे ये फ्रंट का एलिवेशन है, और सामने से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो ये देखिए, सबसे पहले आपको दो पिलर बने हुए हैं। पिलर थोड़े से स्टाइलिश आपको दिख रहे होंगे, ये देखिएगा पिलर। और इसके बाद आपको ये पोर्च मिलता है राउंड शेप में, ये आपका मेन डोर है जहाँ से एंट्री करना। दोनों साइड देखिए विंडो दिया है। साइड की अगर बात करें तो कि साइड में भी आपको विंडोज़ दिए हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मेन डोर से जैसे आप एंट्री करते हो तो आप सबसे पहले एक डाइनिंग हॉल में, बड़े से हॉल में आ जाते हैं। और लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ बेडरूम है फ्रंट में, और पीछे भी दोनों लेफ्ट और राइट में बेडरूम है। और वहीं बात करें, अगर मैंने यहाँ पर जो किचन आपका दिया, ये आपका किचन एरिया है और जस्ट साइड में आपका पूजा घर है। वहीं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर आपकी स्टेयर्स हैं जिससे आप ऊपर जाएंगे, और राइट हैंड में जस्ट सामने आपका यहाँ पर लेट हैंड बाथ मैंने कमांड दिया है। तो फोर बेडरूम, किचन, लेट हैंड बाथ, स्टेयर्स, पूजा घर के साथ पूरा मकान डिजाइन हुआ है। अब हम बात करते हैं बीच में आपका आंगन, तो यहाँ भी आप जाल रखवा सकते हैं। और जहाँ जहाँ आपके रूम है कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर देखिए मैंने विंडो दी रखी है। प्रत्येक कॉर्नर पर दो विंडो हो जाएंगी, एक लेफ्ट एक राइट, एक बैक साइड। तो किचन में भी पीछे से मैंने विंडो दिया है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। इस वाले कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर में जो बेडरूम है यहाँ पर भी आपको दो विंडो मिलती हैं, और फ्रंट वाले दोनों बेडरूम्स में आपको कॉर्नर पर विंडो मिलती है जिससे वेंटिलेशन की तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका साइड में जगह नहीं है और आप यही मॉडल चूज़ करना चाहते हैं तो आप साइड वाली जितनी विंडो आप, तो आपका सिंपल सा ऐसा ही प्लान बना रहेगा, ये देखिएगा। अब इसकी अगर मॉडल की साइज़ की बात करें, ओवरऑल ये साइज़ कितना है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये 33x46 में हाउस प्लान बना हुआ है, 33x46 फिट में। बेहतरीन सा कमरा यहाँ पर आपको घर मिल जाता है जिसमें बेडरूम्स की संख्या 4 है। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। चारों तरफ अगर हम अंदर की बात करें तो सिमिलर, अंदर बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी मैंने चेंजमेंट नहीं किया है। जैसे नीचे था वैसे ऊपर है, चारों बेडरूम, किचन, लेट बाथ, स्टेयर्स आपकी, और आगे जो आपका पोर्च था वो यहाँ पर है जब बालकनी कन्वर्ट हो जाता है। और जो ग्रिल मैंने इस्तेमाल की है वो आप देख सकते हैं, ग्रिल का डिज़ाइन कैसा है आपका, चारों तरफ ग्रिल का डिज़ाइन भी मैंने यहाँ पर दे रखा है। बेहतरीन सा ग्रिल डिज़ाइन जो फ्रंट से आपको एक बेहतरीन सा लुक देने वाला है। वह अगर हम बात करें यहाँ पर विंडोज़ की, तो जैसी विंडोज आपको नीचे लगी थी सिमिलर विंडोज़ वैसे ही आपकी लगी हुई। कुल मिलाकर प्लान पूरा सिमिलर है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर है वैसे ही इसका फर्स्ट फ्लोर है। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर मैंने चारों तरफ वही 3.5 फिट का बाउंड्री, 3 फिट का सॉरी, और यहाँ पर ओवरऑल ग्रिल जो कि ग्राउंड फ्लोर की थी वैसे ही सिमिलर ग्रिल मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दे दी है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर बात करें 33x46 फिट में एक बेहतरीन सा मैप आपको मिलता है जिसमें कि 4 कमरे नीचे 4 ऊपर देखने को मिल जाते हैं, और लेट बाथ के साथ बेहतरीन सा डिजाइन फ्रंट एलिवेशन। मॉडल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। किसी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।